Assalamu alaikum. A very happy lovely morning. Dear students, how are you all? Janab, kaise hain aap sab? Khairiyat se hain? Theek thaak hain? Very nice. Pyare bachcho, ye bataiye ke bhai subah aap logon ne uthkar kalma padha tha? Padha tha? Very nice. Bhai aap to padhe ho gaye hain, isn't it? Aur ab aap logon ko sari baaton par amal bhi karna hai, hai na? तो हमें डेली जब भी हमारी आँख खुलती है तो हमने क्या करना है, हमने जो है कलमा पढ़ना है, ठीक है। और कलमा पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, हम क्या कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या होता है, अल्लाह ताला आपका शुक्र है। और ये बताइए अल्हम्दुलिल्लाह हमें कब कब कहना चाहिए भाई, भाई जब भी हम सो कर उठते हैं तो हमें कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी हमारी नज़र हमारे पेरेंट्स पर पड़ती है, हमारे माँ बाबा पर पड़ती है, तब भी हमें क्या कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आपको पता है ना कि पेरेंट्स जो हैं वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए हमें क्या कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और क्या करना चाहिए भाई, अल्लाह जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें क्या कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें खाने पीने के लिए इतनी सारी चीज़ें दी हैं, है ना, बहुत यम्मी यम्मी बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें दी हैं, जो हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं, हम लंच में खाते हैं, हम डिनर में खाते हैं, जब हमारी मामा हमें बना कर देती हैं, और मामा कितना मज़ेदार बनाती हैं खाना, है ना, तो हमें क्या कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें हमेशा उठते बैठते सोते जागते अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है जी। चलें अब हम क्या करेंगे, आज हम कुछ न्यू डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। आज मैं आप लोगों को एक न्यू कॉन्सेप्ट दूंगी। चलें उसके लिए आप लोग ऐसा कीजिए कि भाई बुक ओपन कर लीजिए, ओपन पेज नंबर 56। आपको पता है जब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा तो फिर आप लोगों को टाइम देखना आ जाएगा, आप क्लॉक में अच्छे से टाइम देख सकेंगे, आपको पता चल जाएगा कि अभी क्या टाइम होने वाला है। भाई हमने पहले क्या पढ़ा था, ओ क्लॉक, याद है आप लोगों को, कि भाई छोटा आम जब नंबर पे होता है और बिग आम जो है वो 12 पर होता है तो फिर क्या होता है, ओ क्लॉक होता है। यानी कि अगर स्मॉल आम जो है वो 7 पर है और बिग आम 12 पर है तो वो क्या होता है, 7 ओ क्लॉक। जी, आज हम थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी से पेज नंबर 56 ओपन कीजिए। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेट डालेंगे, तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप डेट डाल लीजिए। वेरी नाइस। और फिर उसके बाद ये कौन सा आइकन है आप लोगों को पता है, ये है रीड। वेरी गुड। चलें यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रही है भाई, ये क्लॉक नज़र आ रही है, इज़न्ट इट। क्लॉक्स में आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आउल भी नज़र आ रहे हैं, आउल आपको टाइम देखना सिखा रहे हैं जी। अच्छा, अब इन नंबर्स में और क्या आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, भाई मुझे तो टू आर्म्स नज़र आ रही हैं, इज़न्ट इट। ये देखिए, ये वन आर्म और ये सेकंड आर्म, टू आर्म्स नज़र आ रही हैं। अब ये देखिए कि इन आर्म्स में भी एक स्मॉल आर्म है और एक बिग आर्म है, स्मॉल आर्म बिग आर्म, स्मॉल आर्म बिग आर्म, ठीक है। अच्छा, ओ क्लॉक में क्या था कि नंबर पे स्मॉल आर्म होता था और 12 पर बिग आर्म होता था, इज़न्ट इट, यही था ना। अब क्या है भाई, अब ये नंबर पर स्मॉल आर्म है, इज़न्ट इट, और ये बिग आर्म जो है वो 12 से मूव कर करके अब 6 पर आ गया है, इज़न्ट इट। पहले वो 12 पर था, अब वो मूव कर करके अब कहाँ पर आ गया है, 6 पर आ गया है, 6 पर आ गया है, isn't it? तो स्मॉल आर्म जो है वो नंबर पर है और बिग आर्म जो है वो 6 पर है, तो हम इसे क्या कहेंगे, हाफ पास्ट। क्या कहेंगे, हाफ पास्ट। क्या कहेंगे, हाफ पास्ट। और अब ये स्मॉल आर्म किस नंबर पर है,
7 पर है, तो हम इसे कहेंगे हाफ पास्ट 7, हाफ पास्ट 7, क्या कहेंगे, हाफ पास्ट 7. नाउ रीड विद मी, हाफ पास्ट 7, यानी 7 को हमने हाफ पास्ट कर दिया है, ठीक है. तो अब हम क्या कहेंगे, हाफ पास्ट 7, वेरी गुड. तो प्यारे बच्चों, अब आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो स्मॉल आर्म है वो नंबर पर होगा और जो बिग आर्म है जब वो 12 से घूम कर 6 पर आ जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, हाफ पास्ट. क्या कहेंगे, हाफ पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, ये स्मॉल आर्म अगर 9 पे होगा और बिग आर्म जो है वो पूरा मूव करके 6 पे आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, हाफ पास्ट 9. क्या कहेंगे, हाफ पास्ट 9. इसी तरीके से अगर ये स्मॉल आर्म 2 पे होगा और ये बिग आर्म जो है वो 12 पे जाने के बाद मूव करके 6 पर आ जाएगा तो हम इसे क्या कहेंगे, हाफ पास्ट 2, हाफ पास्ट 2, वेरी गुड. प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब 12 पे बिग आर्म होता है तो हम उसे कहते हैं ओ क्लॉक, मगर जब वही बिग आर्म मूव करके 6 पे आ जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हाफ पास्ट. क्या कहते हैं, हाफ पास्ट. और स्मॉल आर्म जो है वो नंबर्स को इंडिकेट करता है, नंबर्स को शो करता है, ठीक है. तो अब आप ये बात याद रखिएगा, ठीक है. अब आपने क्या करना है, आपने ये क्लॉक जो है अपनी टीचर को भी शो करनी है और उनके साथ भी डिस्कस करना है और आप उन्हें बताएंगे कि जब आपकी टीचर ने आपको कॉल किया है उस वक्त क्या टाइम हो रहा है, ठीक है. अब बताएंगे ना जी. प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़. Thank you.